हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 10th की फिजिक्स को लेकर के आए। क्लास 10th के लास्ट के लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को मैग्नेट के बारे में बताया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में समझाया था। आज का लेक्चर मैग्नेटिज्म चैप्टर का ही है और आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट का मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है बेटा। देखो, इन 1820 सर ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे बेटा, फिजिसिस्ट थे। इन 1820 सर ऑरस्टेड डेमोनस्ट्रेट दैट व्हेनेवर अ करेंट कैरिंग कंडक्टर ब्रिंग क्लोज टू अ मैग्नेटिक कंपास द कंपास डिफ्लेक्टेड। क्या बोला बेटा? देखो, 1820 में सर ऑस्टिन ने एक डेमोन्स्ट्रेट किया था बेटा। उसमें उन्होंने देखा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम लोग कंपास को लेकर जाते हैं, मैग्नेटिक कंपास को लेकर के जाते हैं, तो वो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये आयरन है आपका, यहाँ पर मैंने आयरन रखा हुआ, ये आयरन ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे था ऐसे हो गया बिना किसी टच किए, किसी ने टच नहीं किया इसे, ये अपने आप ऐसे से ऐसे हो गया। आयरन का एक रॉड रखा हुआ था, बार रखा हुआ था, ये ऐसे था, अपने आप ऐसे हो गया, किसी ने इसको टच नहीं किया। तो ये कब इस तरीके से ऐसे हो जाए? जब एक मैग्नेट होगा इसके आसपास, तभी तो, बिना टच किए जब तक इसके चारों तरफ एक मैग्नेट ना आ जाए तब तक तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ऑरस्टेड ने यही देखा। अब देखो बेटा, ऑरस्टेड ने कैसे क्या देखा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, यहाँ पर उन्होंने एक बैटरी लगाया, बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर उन्होंने एक की लगाया और इसको एक वायर से जोड़ दिया। ये आपका वायर है, ये आपका वायर है, ठीक है। अब जब इसके पास इन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास को रखा, कंपास नीडल को एक रखा ऐसे करके, तो अभी तो देखो आप, स्विच ओपन है, इसका मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा है। जब इन्होंने इस स्विच को बंद किया, जब इन्होंने इस स्विच को बंद किया तो इन्होंने देखा कि यहां पर जो मैग्नेटिक कंपास था बेटा वो डिफ्लेक्ट हो गया। देखो, मैग्नेटिक कंपास यहां पर ऐसे था और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ तुरंत ये मैग्नेटिक कंपास क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि जैसे ही किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है, किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो वायर, जिस वायर के थ्रू करंट जाता है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। इसी इफेक्ट को बेटा हम लोग नाम जानते हैं
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ आ रही बात? तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर देन अराउंड द कंडक्टर देयर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस फेनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इस फेनोमेना को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये हमेशा होता है, जब भी किसी कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और यही रीज़न है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो इसका डिफ्लेक्ट होना है, इस बात का इंडिकेशन है बेटा कि इसके चारों तरफ क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं वो किस तरीके से आती हैं। तो बेटा एक काम करो, इसको पॉज करो और एक स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं आपको आगे के चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन किया होगा। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी कंडक्टर के चारों तरफ करंट फ्लो, करंट कंडक्टर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराने के वजह से उसके चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, है ना। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो किसी कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग का मतलब होता है एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली बेटा हमारे पास तीन तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहला होगा बेटा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा होगा बेटा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, और जो थर्ड आएगा आपके पास वो आएगा सोलेनोइड। सोलेनोइड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। पहला एक एक करके तीनों पढ़ेंगे बेटा हम लोग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में होता क्या है कि व्हेन एवर अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर देयर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड।
उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जरा सा देख लो, ये हो गया आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट या तो ऊपर जा सकता है या फिर करंट ऊपर से नीचे आ सकता है, ये कंडक्टर है बेटा। अब मैंने इसके पीछे का सर्किट नहीं बनाया है कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है, मैं आपको दिखा दिया यहाँ पर, यहाँ से इधर की ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, इधर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है। या तो करंट ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में दो ही तो केस हो सकते हैं। चल, तो मैंने बता दिया कि जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें समझना पड़ेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड उसका पावर कितना होता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का जब पावर आप जान लोगे तो इसके पावर को हम लोग कैसे बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब देख लो, मैं बता रहा हूं, द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब होता है बेटा कितनी तेजी से फोर्स लगाता है। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है बेटा, देखो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ये बात आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझा दूं, मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये है एक जहां पर तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और एक है मेरे पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, तो इसमें अगर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहां पर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। रफ एग्जांपल है बेटा, यानी कि जहां जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा फोर्स, तो यही बताता है इंटेंसिटी। कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे तो कम फोर्स लगेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो वही मैं कह रहा हूं, द इंटेंसिटी प्रोड्यूसेस, द इंटेंसिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। इस तरह के फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या इंटेंसिटी। तो सबसे पहला किसके ऊपर डिपेंड करता है तो बता दो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करेंट के, मतलब इसका जितना ज्यादा करेंट फ्लो होगा इसके चारों तरफ उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। समझ रही बात, ग्रेटर अमाउंट ऑफ करंट ग्रेटर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। तो एक बात तो क्लियर है बेटा, करंट के फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेट मिल रहा है उस मैग्नेट के पावर को, उस मैग्नेट के क्षमता को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं करंट के साथ। करंट को ज्यादा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होता रहेगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पॉइंट है बेटा, यह होगा मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड कंडक्टर। समझा रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं आपको, समझ में आ जाएगा अभी आपको। कह रहा है बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब देखो होगा क्या, सपोज कर लो ये मेरा कंडक्टर है, नीचे से ऊपर करंट जा रहा है। अब मैं यहां पर तीन चार पॉइंट्स ले लेता हूं, पहला पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है, तीसरा पॉइंट यहां पर है। आप देखोगे कि जब मेरा कंडक्टर
पॉइंट ए पर हो, यहाँ पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स लगा सकता है वो ज़्यादा होगा। आप कोई मैग्नेट ले लो, ये सपोज कर लो कोई मैग्नेट है, तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये ब्लैक वाला मैग्नेट है, ब्लू वाला आपका सपोज कर लो कोई वायर है, तो यहाँ पर रहेगा ज़्यादा फोर्स लगाएगा, फोर्स की वैल्यू और कम होगा, फोर्स की वैल्यू और कम होगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे मैग्नेट से, फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, कम होती है ना। यानी कि कंडक्टर से पॉइंट का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम लगेगा, यानी कि आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना कम लगेगा, यानी कि फोर्स उतना कम लगेगा। समझ आ रही बात? तो ये हो गया इसका मतलब, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड कंडक्टर, कंडक्टर के पॉइंट और कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया बेटा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। यानी कि एक अगर स्ट्रेट वायर है आपके पास, तो स्ट्रेट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से परिवर्तन करता है, किस तरीके से चेंज होता है। तो पहला है, करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा फैक्टर है, मैग्नेट से यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी, ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस दोनों प्रॉपर्टी समझ में आए होंगे। तो एक काम करो बेटा, इस दोनों प्रॉपर्टीज को आप लोग नोट डाउन कर लो, एक स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी कर रहा था अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने जो पहला फैक्टर पढ़ा वो पढ़ा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि करंट की वैल्यू जितना इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना इंक्रीज होगा। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग मिला देते हैं, अरेंजिंग बोथ अबव इक्वेशन, ऊपर के दोनों इक्वेशन को अगर इमर्ज कर दें हम लोग, तो मिलेगा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R। मतलब B इक्वलिटी का साइन लगाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो K सपोज कर लो वो कांस्टेंट है I बाई R, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू K I अपॉन R। ये हो गया बेटा किस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर K एक कांस्टेंट है, वेयर K इज अ कांस्टेंट। अब ये K की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये आपको आगे की क्लासेस में समझ में आ जाएगा कि K की वैल्यू कितनी होती है। वैसे आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपको केवल आपके नॉलेज के लिए बताया, B इक्वल टू K I बाई R। तो K की वैल्यू आपको नेक्स्ट क्लासेस में, आगे के क्लासेज यानी क्लास 12th में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड करंट के इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होता है, और डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमें पता चल चुका है बेटा कि जब भी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना, एक चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो बेटा, जब भी ऑरस्टेड ने जो एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उस डेमोन्स्ट्रेशन में अगर वो ये बता देते कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट को फ्लो कराया मैग्नेट बन गया, इतना काफ़ी नहीं था बेटा। इतना अगर काफ़ी होता तो उनको कभी इतने बड़े नाम से नहीं जानते हम लोग, ऑरस्टेड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनको हम लोग, उनका नाम इतना क्यों आगे बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने केवल ये नहीं बताया कि कंडक्टर में करंट जाएगा तो मैग्नेट बनेगा, उन्होंने बताया कि कितना मैग्नेट बनेगा, उस मैग्नेट की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला B इक्वल टू के आई बाई आर। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, उन्होंने ये भी बताया। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि डायरेक्शन कैसा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपके पास दो लॉ होंगे बेटा। सबसे पहला जो लॉ होगा वो होगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल अब ये राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है? If we assume that we are holding a current carrying conductor such that our thumb is in the direction of flow of current then our wrist folded fingers will indicate the direction of magnetic field. अब देख लो बेटा, ये हो गया आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। ऊपर की तरफ आपका क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे तो मेरा डायग्राम बहुत गंदा है बेटा, लेकिन चलो हम ट्राई करते हैं। कुछ इस तरीके से। अब आप देखो कि जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में है, ऐसे करके है। सपोज कर लो ये कंडक्टर है आपका और मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा, तो आप देखो जो थंब है मेरा वो करंट के डायरेक्शन में है क्योंकि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये जो फोल्डेड फिंगर है हमारा, यानी कि इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, ये सारे फिंगर फोल्ड है, ऐसे करके फोल्ड है, तभी तो पकड़ पाएंगे। सो दीज फिंगर्स, यानी कि जो फोल्डेड फिंगर है, ये जो फोल्डेड फिंगर है बेटा, दीज फोल्डेड फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का होगा बेटा। कैसा होगा? ऐसा होगा। देख लो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है ना, ऐसे करके, ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे। सो ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल। ये इमेज मैं आपको यहां पर बना करके दे दूंगा, आप देख लेना इसको। सो ये होगा आपका राइट हैंड थंब रूल। अब अगर ये करंट जो है वो नीचे फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस बार आपका जो थंब होगा बेटा वो कुछ इस तरीके का होगा। देखो फिर से मैंने आपको जो है, मैं कैसे ही बनाऊं, चलो ऐसे करके, मुझे पता है बेटा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, अब क्या ही बताऊं, डायग्राम का मुझे उतना हैबिट है नहीं। तो करंट नीचे जा रहा है, ये थंब है हमारा नीचे जा रहा है, तो अब कैसा होगा? राइट हैंड लगाना है आपको, तो राइट हैंड के लिए ऐसे करके, है ना, देखो ऐसे करके। तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वाले फिंगर से निकलेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे। यहां पर कैसे थे? ऐसे थे, ऐसे। यहां पर कैसे होंगे? उल्टा होगा। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये कुछ इस तरीके का कैसा होगा बेटा? ऐसा होगा ना,
इधर से ऐसे घूमेगा, समझ रहे बात को। ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल, दिस इज ऑल अबाउट राइट हैंड थंब रूल। ओके चल, तो एक काम करो बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। देखो मैंने बताया था आपको दो रूल है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहला राइट हैंड थंब रूल और दूसरा हो गया मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। अब ये मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, इफ वी हैव अ स्क्रू ड्राइवर सच दैट द टिप ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू ड्राइवर फॉर टाइटेंड टाइटेंड अ स्क्रू विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बहुत सिंपल है बेटा, मैं डायग्राम यहां बना देता हूं, इस वाले का डायग्राम यहां बना देता हूं, ठीक है। चलो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका करंट जो है वो ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके का जा रहा है, ठीक। हमारे पास यहां पर एक स्क्रू ड्राइवर है, एक स्क्रू ड्राइवर कुछ इस तरीके का, और ये स्क्रू ड्राइवर का हैंडल है, ठीक। अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखो स्क्रू ड्राइवर का जो टिप है वो ऊपर की तरफ है। अब इस स्क्रू ड्राइवर को हम ऐसे पकड़ेंगे और स्क्रू को टाइट करने के लिए जो रोटेशन करेंगे, स्क्रू को टाइट करने के लिए जो रोटेशन करेंगे, उस रोटेशन का डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होगा। यानी कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको टाइट करने के लिए हम किधर घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, ऐसे। यानी कि देखो टाइट करने के लिए कैसे घुमाएंगे, ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, ये करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, सिमिलरली अगर करंट आपका नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब जो है स्क्रू ड्राइवर आपका जो स्क्रू ड्राइवर का जो टिप होगा अब टाइट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे, है ना। यानी कि अब जो डायरेक्शन मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। यानी कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। तो या तो आप ये वाला रूल यूज कर लो या फिर ये वाला रूल यूज कर लो, दोनों ही रूल से आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, है ना। तो ये हो गया बेटा आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में कंप्लीट, पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होता है, जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से इफेक्टिव होता है, तो पहला है करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, दूसरा कंडक्टर से डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बी इक्वल टू के आई बाई आर, जहां पर के होता है एक कॉन्स्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको फर्दर क्लासेस में पता चल जाएगा, ये आपके नॉलेज के लिए। फिर मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने दोनों आपको बना दिया, तो एक काम करो बेटा स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। अब जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सो अब हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो अब हमारे पास क्या होगा बेटा, एक सर्कुलर कॉइल होगा और उस सर्कुलर कॉइल में जब हम लोग करंट को पास कराएंगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। चलो, तो व्हेन करंट पासेस थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल ऑफ अ कंडक्टर, देन अराउंड द कंडक्टर दे आर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। अब आओ आगे देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड is dependent on following factors. तो जब भी किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होगा बेटा, सर्कुलर कॉइल अगर करंट कैरिंग है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलो आप कॉलिंग फैक्टर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू कंडक्टर, यानी कि B जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर है बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। मतलब कॉइल का रेडियस जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। जितना बड़ा कॉइल लोगे उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अब इंक्रीज कैसे करेंगे,
बढ़ाएंगे कैसे? तो पहला आप कहोगे कि उसमें करंट की वैल्यू को ज्यादा कर दो, दूसरा उसका रेडियस कम कर दो। समझ आई बात? अब क्या करेंगे बेटा, दोनों इक्वेशन को इमर्ज कर देंगे, इमर्जिंग बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को इमर्ज कर देंगे, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर और बी इक्वल टू के आई बाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मिल गई आपको। तो हमें पता चल गया कि अगर करंट कैरिंग कॉइल है, उसमें करंट जाएंगे भेजेंगे, तो उसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रेंथ जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, करंट जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा, रेडियस जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम। अब ये चीज़ें जानने के बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। ठीक है, तो इसका जो रूल है बेटा वो है क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, अब ये क्लॉक फेस रूल कहता क्या है? तो देखो बेटा, सपोज कर लो ये मेरा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है ऐसे करके, कैसे जा रहा है ऐसे करके, चलो। और दूसरा करंट कैरिंग लूप है मेरा सेम है, अब इसमें मैंने करंट के डायरेक्शन को क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। अब इसमें मैं करंट को इस तरीके से भेज रहा हूं, ठीक है। तो पहले वाले में करंट कैसा जा रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज। देखो करंट कैसे जा रहा है बेटा, घड़ी जैसे घूमता है उसी तरह से तो करंट घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज। और ये वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो क्लॉक के डायरेक्शन में अगर घूम रहा है क्या, करंट, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो वहां पर बनता है साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट तो वहां बनता है नॉर्थ पोल। समझ आई बात? इसको कहते हैं क्लॉक फेस रूल, यानी कि करंट के डायरेक्शन को देख करके, करंट कॉइल में क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसको देख करके हम बता देंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। तो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पता चल जाएगा, और हमें पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है और साउथ फील्ड की तरफ जाता है, साउथ पोल की तरफ जाता है। ठीक है, आओ तो देखते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग, डेटा डेटा नोट कर देते हैं। इफ करेंट रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन देयर फॉर्म साउथ पोल एंड इफ करेंट रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देयर फॉर्म नॉर्थ पोल। ओके बच्चों, तो ये था आपके पास करंट कैरिंग कॉइल के बारे में। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने बताया था कि आपको तीन तरह का पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तीन तरह का पढ़ना है, पहला स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा कॉइल। तो स्ट्रेट कंडक्टर में डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल और दूसरा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। और अगर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हो तो उसके लिए हम लोग क्लॉक फेस रूल का यूज करते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ बेटा आप स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा सोलेनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th क्लास के लिए।
सोलेनाइड आपके 10th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे मैग्नेटिज्म चैप्टर का, तो बहुत ध्यान से पढ़ना ये सोलेनाइड है क्या। तो बेटा सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये सोलेनाइड क्या है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस हाई इंटेंसिटी ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा जिसको हम लोग यूज करते हैं हाई इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा ताकतवर मैग्नेट बनाने के लिए। और मैग्नेट किससे बनाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट से बनाएंगे, इसलिए इसका नाम रख दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है सोलेनॉइड। ठीक है, अब ये बनता कैसे, कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है, तो कंस्ट्रक्शन देख लो, मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन व्हेन इंसुलेटेड कंडक्टर वायर, कंडक्टिंग वायर इज कॉइल्ड अप, कॉइल्ड अप ऑन अ हॉलो सिलेंडर देन अ सोलेनाइड फॉर्म। क्या लिखा बेटा मैंने? मैंने बोला कि व्हेन अ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर इज कॉइल्ड अप ऑन अ हॉलो सिलेंडर देन अ सोलेनॉइड फॉर्म्स। तो आओ सोलेनॉइड बनाते हैं बेटा। सोलेनॉइड बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक हॉलो सिलेंडर होना चाहिए। तो ये लो, मैंने ले लिया एक हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है बेटा? अंदर से खाली, अंदर से खाली एक सिलेंडर ले लिया। अब इस सिलेंडर के ऊपर हमें इंसुलेटेड वायर को कॉइलिंग करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने क्या किया, ये वायर है आपका रेड वाला जो है वो कंडक्टिंग कंडक्टिंग वायर है। कौन सा कंडक्टिंग वायर है? इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर है। अब इंसुलेटेड का मतलब क्या है? इंसुलेटेड का मतलब बेटा जो वायर है उसके ऊपर आप लोगों ने घर में जो वायर देखा होगा, एक तार होता है, तार के अंदर कॉपर या एल्युमिनियम का क्या होता है, वायर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक का एक लेयर चढ़ा होता है, उसी तरह का इंसुलेटेड वायर होता है। सर इंसुलेटेड ही क्यों? क्योंकि बेटा जब हम लोग ओवरलैप करते हैं इसको, इस तरह से रोटेट करते हैं हॉलो सिलेंडर के ऊपर, तो वायर्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं। दो वायर एक दूसरे से क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो वायर्स को एक दूसरे से आइसोलेट रखना पड़ता है, अलग अलग। तो अलग अलग रखने के लिए क्या कर देते हैं, इंसुलेटेड कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक हॉलो सिलेंडर लिया, इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर लिया, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, और यहां पर इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर। अब इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर को हम लोगों ने स्विच के माध्यम से, स्विच से एक बैटरी से जोड़ दिया। जब इसमें करंट जाएगा तुरंत ये वाला जो वायर है वो मैग्नेट बन जाएगा। समझ में आई बात? समझ रहे बात को? एक हॉलो सिलेंडर लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया, इंसुलेटेड वायर्स को ओवरलैप कर दिया और एक करंट पास करा दिया। जैसे ही करंट जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा, इसमें ये एक मैग्नेट बन जाएगा। क्योंकि हमें पता है बेटा कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट जाता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल।
काम कैसे करता है। हाँ वर्किंग ग्रुप काम कैसे करता है। लेट आई करेंट इज फ्लोइंग इन द वायर एंड देयर इज एन नंबर ऑफ कॉइल। कॉइल कितने हैं देखो बेटा, ये एक कॉइल है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस तरह से बहुत सारे कॉइल होते हैं, तो उसको हम लोग स्मॉल एन से लिख दिया। देर आर स्मॉल एन नंबर ऑफ कॉइल, ठीक है। द रेडियस ऑफ कॉइल बी आर, बी आर यानी कि कॉइल का जो रेडियस है बेटा, वो जो सर्कुलर कॉइल, ये तो एक सर्कुलर कॉइल ही तो बना, सर्कुलर कॉइल ही तो बना। अभी जो सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब देखो क्या होगा, वंस वी ऑन द स्विच द करेंट बिगन टू फ्लो थ्रू द वायर एंड हेंस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड द सोलेनॉइड। जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं बेटा, इस सोलेनॉइड के चारों तरफ, सोलेनॉइड के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ओके ओके बेटा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा अभी मैं आपको दिखा देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। सर आपने क्यों ऐसे डायरेक्शन बनाया, तो बताता हूँ बेटा मैंने क्यों ऐसे डायरेक्शन बनाया, आपको अभी समझा दूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा सोलेनॉइड हो गया, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बेटा, ठीक। तो सोलेनॉइड का वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, ठीक। अब हम लोग, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये डायरेक्शन मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर बनेगा बेटा नॉर्थ पोल, यहाँ बनेगा साउथ पोल। क्यों बनेगा अभी मैं आपको बताता हूँ, क्लॉक फेस रूल का इस्तेमाल कर लो। किसका, क्लॉक फेस रूल का। तो आप देखोगे कि यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा ना, यहाँ पर ऐसे करंट क्लॉकवाइज, यानी कि अगर यहाँ से करंट एंटर करता है तो इस एंड से जब देखोगे, इस एंड से जब देखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा क्लॉकवाइज करंट। तो क्लॉकवाइज की तरफ क्या बनता है, साउथ पोल, तो इधर की तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। समझ आई बात, इस वजह से मैंने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन बना दिया। ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना बेटा, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि वंस वी ऑन द स्विच, जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड हेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, इसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब मुद्दा ये है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक काम करो बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो इसको नोट डाउन कर लो। ओके बेटा, तो हमारा हेडिंग होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
किस तरीके से डिपेंडेंट होता है, किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब वो जो वायर लपेट रहे थे, कितना नंबर ऑफ टर्न मैंने लपेटा, कितना लपेटा, जो एन सपोज कर रहे थे इसके ऊपर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स, ग्रेटर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न हम लोग क्या लपेटेंगे, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉयड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू द इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज़्यादा सोलेनॉइड से करंट जाएगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ओके गुड। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड वी कैन फाइंड बाय यूजिंग क्लॉक फेज रूल। क्लॉक फेज रूल का इस्तेमाल करके, तो क्लॉक फेज रूल क्या कहता है बेटा, याद है? सर याद तो है। अगर करंट क्लॉकवाइज जाता है तो साउथ पोल, एंड करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो नॉर्थ पोल। सो बेटा ये हो गया आपका सोलेनॉइड के बारे में सारी चीजें, कि सोलेनॉइड काम कैसे करता। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बढ़ाएंगे, तो आप कह देना कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होना चाहिए, और रेडियस जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। समझ लो बात को। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोलेनॉइड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बेटा। आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो और उस स्क्रीनशॉट से अपने कॉपी को नोट डाउन कर लो। ओके चलिए। ओके बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आपको लास्ट का टॉपिक समझ में आया होगा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा, ये है क्या? तो बेटा देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैं लिख देता हूं, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट विच हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओनली व्हेन करंट इज passes through it। क्या है बेटा, ये एक temporary magnet है जो कि तभी magnetic property को hold करता है जब उसके अंदर current जाता है। ठीक है, अभी electromagnet बनता कैसे है, construction। Firstly, we should have a core। अब ये core क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको।
एक कोर होना चाहिए सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन। आयरन आयरन के भी बहुत सारे क्वालिटी होते हैं बेटा। सॉफ्ट आयरन यानी कि एक ऐसा आयरन, आपको ये सॉफ्ट आयरन के बारे में समझ में आएगा अगले के क्लासेस में, लेकिन फिलहाल समझ लो आयरन का ही एक पार्ट है ये। सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, एक कोर होना चाहिए सॉफ्ट आयरन का। फर्स्टली वी शुड हैव अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, देन वी विल हैव टू रैप अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर इट। नाउ इफ वी फ्लो करेंट थ्रू इट देन द सॉफ्ट आयरन कन्वर्टेड इंटू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है बेटा, देखो कैसा होता है। हमने क्या किया, हमने एक सॉफ्ट आयरन ले लिया इस तरीके से, जहां पर हॉलो सिलेंडर लेते थे सोलेनोइड में, उसी तरह से यहां पर हमने सॉफ्ट आयरन ले लिया। ठीक, अब इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर बेटा हम लोगों ने इंसुलेटेड कॉपर वायर को ओवरलैप कर दिया। एक स्विच लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया। तो यहाँ पर कुछ नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन है आपका, ये आपका इंसुलेटेड वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। अब देखो जरा सा ये करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे गया, ऐसे 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 करके जा रहा है ना। तो ये कौन सा रोटेशन है, इधर से देखो करंट का रोटेशन कैसा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर बनेगा नॉर्थ, यहाँ पर बनेगा साउथ पोल। तो यहाँ पर बना आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पर बना साउथ पोल। इस एंड से देखोगे आप, जब इस एंड से जब आप देखोगे तो रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा तो यहां पर क्या फ्लो होगा बेटा, फील्ड लाइंस, ऐसे करके एक फील्ड लाइंस फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये एक तरह का देखो टेम्पोररी मैग्नेट होता है, जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी होती है जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, एक सॉफ्ट आयरन का कोर लेंगे, इसी को कोर कहते हैं बेटा। ये जो सॉफ्ट आयरन है ना, इसी को हम लोग कोर के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग कोर कहते हैं। जिसके ऊपर वायर को लपेटा जाता है उसको हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, वायर को लपेट करके जैसे ही करंट को फ्लो कराएंगे, ये जो सॉफ्ट आयरन है वो स्ट्रांग मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये स्ट्रांग मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना शुरू कर देगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्लॉक फेस रूल से, है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सोलेनोइड में आप लोग देखे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, समझे बात। यहां पर ये जो सॉफ्ट आयरन है बेटा वही मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, करंट फ्लो होगा तो वो सॉफ्ट आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वायर इंसुलेटेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि आयरन एक मेटल है, और अगर हम लोग बेयर कंडक्टर को लपेटेंगे इसके ऊपर, यानी कि केवल तार को लपेटेंगे बिना इंसुलेटेड किया हुआ, तो सॉफ्ट आयरन और वायर आपका शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, और आपका ये जो डिवाइस है इलेक्ट्रोमैग्नेट वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर लिख देता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है बेटा वो ये है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न ग्रेटर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा वायर इसके ऊपर लपेटोगे उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दूसरा, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ करेंट, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करेंट जाएगा ग्रेटर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और इसका जो थर्ड फैक्टर है बेटा, जो थर्ड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द कोर। नेचर ऑफ द कोर यानी कि कोर किस मटेरियल का बना है। आप ऐसा नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट केवल सॉफ्ट आयरन का बना सकते हो, आप हार्ड आयरन का भी बना सकते हो, है ना, आप स्टील का भी बना सकते हो, लेकिन सबसे जितना अच्छा नेचर होगा आयरन का, जितना अच्छा नेचर होगा उतना अच्छा आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। तो नेचर ऑफ द कोर, कोर का नेचर कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो सबसे अच्छा जो क्या होता है, सॉफ्ट आयरन। सबसे अच्छा कोर किस चीज़ का होता है, सॉफ्ट आयरन का होता है। और जो चौथा पॉइंट है बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो द एयर गैप, बिटवीन पोल्स, पोल्स के बीच का एयर गैप, मतलब यहां पर नॉर्थ पोल है यहां पर साउथ पोल है तो इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है ना बेटा। देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का गैप एक इस एंड में है दूसरा इस एंड में है, तो इन दोनों का गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब गैप बहुत ज्यादा होगा, एयर गैप, दोनों पोल्स के बीच का एयर गैप जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उतना कम होगा। यानी कि द एयर गैप बिटवीन द पोल्स ग्रेटर द एयर ग्रेटर द एयर गैप लेस विल बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जितना ज्यादा एयर गैप होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के, जितना ज्यादा एयर गैप होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। ग्रेटर द एयर गैप लेस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा एयर गैप होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। अब एयर गैप को कैसे कम करेंगे, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो ये तो एक बार बार सॉफ्ट कोर हो गया ना, बार सॉफ्ट कोर। बार सॉफ्ट कोर का मतलब हो गया डंडे की तरह, डंडे की तरह है ना। तो अब हम लोग बार नहीं लेंगे, हम लोग यू शेप का कोर ले लेंगे। ओके, टू मेक द लेस एयर गैप बिटवीन पोल्स वी यूज यू शेप्ड, वी यूज यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टार बना करके, यानी कि एयर गैप, पोल्स के बीच के एयर गैप को कम करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, यू शेप का, यू शेप का हम लोग बार मैग्नेट यूज करते हैं, यू शेप का सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। तो ये देखो यू शेप का एक मैंने क्या ले लिया, सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, क्या ले लिया, सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया। अब इस यू शेप के कोर के ऊपर बेटा हम लोग ऐसे करके वायर्स को लपेट देंगे, ठीक है। और यहां पर स्विच के माध्यम से यहां पर हम लोग बैटरी को जोड़ देंगे, ठीक। अब आप देखो कि एक तरफ नॉर्थ बनेगा एक तरफ साउथ बनेगा,
अब वो डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज किधर है, एंटी क्लॉकवाइज किधर है। तो लेकिन नॉर्थ और पोल, साउथ पोल के बीच का देखो, अब दोनों के बीच, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, एयर गैप क्या हो गया, कम हो गया ना, लेस एयर गैप। एयर गैप क्या हो गया, कम हो गया दोनों के बीच का। जब बेटा आप देख रहे हो तो सॉफ्ट आयरन कोर का जब देख रहे थे, नॉर्थ पोल इधर बन रहा था, साउथ पोल इधर, तो इन दोनों के बीच का एयर गैप देखो कितना ज्यादा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। लेकिन यहां पर देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एयर गैप क्या है, कम है, तो इसलिए हम लोग यू शेप का आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। समझ आई बात? तो ये कुछ फैक्टर्स थे बेटा जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक, ये कुछ फैक्टर्स थे हम लोग के। ये देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताया कि ये एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, टेम्पोररी यानी कि जब हमें काम होगा तब हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे, वो मैग्नेट बन जाएगा। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा हम करंट को फ्लो कराना बंद कर देंगे। कैसे बनता है, एक एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर की रैपिंग करते हैं, कॉइलिंग करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं, मैग्नेट बन जाता है। किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये, तो ये इन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, उसके बाद मैंने आपको बताया ये देखो, सॉरी सॉरी बहुत सारे पेजेस हैं बेटा। फिर मैंने बताया कि मैग्नेटिक पोल के एयर गैप को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, यू शेप का आयरन कोर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में। तो ट्रेडिशनल मेथड यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और यहां लिखेंगे परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, और यहां पर एक डंडा बना देते हैं। ठीक, एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं सारी चीजें जो जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या पढ़ा बेटा, देखो परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जो मैग्नेट बन चुका है, काले कलर का जो मैग्नेट है, क्या आप उसको ज्यादा ताकतवर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में बना सकते हैं, करंट को इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वी कैन चेंज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एज पर आवर यूज, हमारे यूज के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होगा बेटा, वी कैन नॉट चेंज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। पहला तो डिफरेंस ये हो गया, चलो अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। We can change the poles of electromagnet. हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को चेंज कर सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, तो यहाँ नॉर्थ पोल्स क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर करंट का जो रोटेशन था एंटी क्लॉकवाइज था। अगर यहीं पे करंट का रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाए तो ये नॉर्थ क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग पोल्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में हम लोग पोल्स को नहीं चेंज कर सकते हैं, हमेशा फिक्स रहता है परमानेंट मैग्नेट में। तो वी कैन नॉट चेंज द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। हम लोग परमानेंट मैग्नेट के पोल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके बेटा, तो थर्ड जो है आपका पॉइंट वो होगा द पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट is very high
बहुत हाई होता है। द पावर ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज वेरी लो कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंपैरिजन में इसका जो पावर होता है वो क्या होता है, कम होता है। ओके बेटा, अब जो इसका चौथा जो डिफरेंस है वो है, अच्छा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा रहती है, नहीं जब करंट फ्लो करते हैं तभी रहता है, तो वो भी लिख लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ओनली व्हेन करंट पास, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी रहती है जब करंट पास करते हैं, और इसमें क्या होगा, ऑलवेज एग्जिस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के बीच का डिफरेंस। तो आज बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके बाद मैंने बताया कि मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो तीन तरह के अलग अलग कंडक्टर्स में होते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल एंड सोलेनॉइड। इतना पढ़ने के बाद बेटा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बताने के बाद बेटा मैंने आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर काफ़ी अच्छी तरीके से, और अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी क्वेश्चंस। तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट डाउन करो। ओके, तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, आबाद रहना, और हाँ मेरे कॉमर्स गुरु क्लासेस, साइंस गुरु क्लासेस के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी दबा दो, नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।